हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी में ये 4 लाइन दे रखी हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं जिससे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की समझने में ईजी रहेंगी। तो बात करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो होता है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, C OOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है ये, ठीक है। और ओवरऑल कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, इस कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में C OO एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, और अगर इसकी एक वैलेंसी पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए तो इस ओवरऑल ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप और कंपाउंड को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड कैसे बनेगा, रिमेनिंग ये वैलेंसी है इसके ऊपर अगर एक एल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये कंप्लीट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस कार्बोनिल, ये कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें अगर हम, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ी सी मैं इधर अलग से बात कर लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालते किस तरह से हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका सम पता होना चाहिए। अगर सिग्मा और लोन पेयर का सम जो है वो 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और 2 होता है सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का सम, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब देखना, यहाँ पे समझना, इस कार्बन का अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो इससे अटैच जो बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर हैं वो देखने होंगे। तो इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो कोई है नहीं, क्योंकि कार्बन की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, और ये 4 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो 0 हैं। इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो तो 0 हैं। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए से बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। इससे इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, देखो यहां पे सिग्मा बॉन्ड्स का अगर काउंट देखें तो 1 2 3, इस कार्बन से अटैच 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो लोन पेयर और सिग्मा का अगर सम देखेंगे तो कितना आया, 3 आया, और 3 सम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसीलिए मैंने कहा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्लियर। चलिए, अब जैसे ही ये चीज आपको पता चली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां से 2 बातें आप बता सकते हो। पहली बात क्या, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री इसकी होती है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्योंकि तीनों ही यहां पर सिग्मा बॉन्ड है इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ओके, और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा वो भी बता सकते हैं। बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का होता है 128 डिग्री। मतलब क्या हुआ 128 डिग्री का, कि इस कार्बन से जुड़े हुए जो बॉन्ड्स हैं वो 120 डिग्री एंगल के ऊपर लगे हुए होंगे। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हुआ, कि ये देखो दिख भी रहा है, ये बॉन्ड्स जो हैं वो एक ट्राइगोनल शेप में है, अगर इनके एंड को इस तरह से आप जोड़ दें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये ट्राइगोनल और एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप या सारे सारे एटम जो हैं ये लगे हुए होंगे इस कार्बन से, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब मैंने बताया कि बॉन्ड एंगल किस तरह से होता है, बॉन्ड एंगल आप इजीली देख पा रहे होंगे कि दो बॉन्ड्स जो हैं, जैसे ये 2 बॉन्ड हैं, या फिर ये 2 बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर ये 2 बॉन्ड हो सकते हैं, इन सभी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का ही होगा, क्लियर। ओके, आगे चलें, आगे बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होती है 1.32 एंगस्ट्रॉम, और इस ऑक्सीजन के बीच में, इस वाले ऑक्सीजन की और इस वाले कार्बन की, इस वाले हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.97 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कम होती है। हाइड्रोजन काफ़ी छोटा एटम होता है, तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कम होना भी वाजिब है। ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, हमेशा हर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बॉन्ड लेंथ फिक्स होंगी ऐसा नहीं है। क्या यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो किसका लिया है, वो एग्जांपल लिया है मैंने फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड में ये बॉन्ड लेंथ है, जैसे जैसे ये आर जो है, आर फॉर्मिक एसिड अगर बनाना है तो इस आर की जगह क्या लेना होगा, एच लेना होगा। फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हो, फॉर्मिक एसिड अगर डायरेक्ट मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो HCOOH होगा, और स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये फॉर्मिक एसिड है। तो यहाँ पे अगर R की जगह सिर्फ H लगा हुआ है तब तो ये बॉन्ड लेंथ ये है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन की जगह अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगते हैं, एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग अटैच होते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी, वेरी करेगी। क्लियर है। तो पहली बात हुई यहाँ पे, फर्स्ट कुछ लाइंस हमने डिस्कस कर ली, ये लाइन हमने यहाँ तक डिस्कस की कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए एक बात और है इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी का नेचर हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, कार्बोनिल कार्बन से। देखना, ध्यान देना, कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, तो होता ही है साथ में ओ और एच, ये लग गया, ये अभी हमने बात की, तो ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखना यहाँ पे, ये कार्बो, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड पोलर होता है, और कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ई पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखेंगे, अगर आप ऊपर से देखोगे डायरेक्ट, अगर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाके डायरेक्ट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इस कार्बन के ऊपर जो ये वाला कार्बन है, जो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उससे तो दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ तो ज़्यादा डेफिशिएंसी, मतलब ये ऑक्सीजन भी लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी ज़्यादा लेके जाएगा, और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है ये समझ लो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे समझिए, रीजन क्या है, इस यहाँ पे अगर मैं देखो, ये सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है, लोन पेयर निकालना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, लोन पेयर होते क्या हैं ये तो जानते हो ना, लोन पेयर थोड़ा सा बता दूं, वैलेंस सेल जो होता है, वैलेंस सेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को लोन पेयर बोलते हैं। अब इसका ऑर्बिटल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो ऑक्सीजन का, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे किस तरह से इनके लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, अब लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन हो गया, लोन पेयर और डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन में आ गए,
और जैसे ही कॉन्जुगेशन में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये लॉन पेयर क्या करेंगे, रेजोनेंस करना स्टार्ट करेंगे। लॉन पेयर और डबल बॉन्ड की वजह से इस कंपाउंड में, इस फंक्शनल ग्रुप में रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस किस तरह से होगा, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इस कार्बन की तरफ जाएंगे, और ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगेन लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये इंटरमीडिएट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब ये अगेन क्या करेगा, अगेन दोबारा से यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनी, यहाँ पे दोबारा से इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती रहेंगी। ठीक है, समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि जैसा हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे, क्या अज्यूम कर रहे थे कि ऑक्सीजन भाई दो लग गई हैं और दोनों ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले जाएंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन के ऊपर जो सेंट्रल वाला कार्बन है, इसके ऊपर तो क्या आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम है, किसमें, किसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब जो एक्स है तो इसमें एक्स माइनस समथिंग होगा, ठीक है, मतलब इस कार्बन पे कम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन की तरफ जा रहे हैं, और कार्बन की तरफ जा रहे हैं तो इस जो डेफिशिएंसी है इस कार्बन की उसको कम कर रहे हैं, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, इसके ये न्यूक्लियोफाइल को कम अट्रैक्ट कर पाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे एक ही बात बोली गई है, द कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन का मतलब ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, सेंटर वाला कार्बन जो है, कार्बोक्सिलिक कार्बन जो है इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। ये समझ में आ गया, कार्बोनिल कार्बन में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इस कार्बन में क्या है, रेजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे हैं, और उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शोन बिलो। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों होती है, रीजन आप बता सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट, ये तो बात हुई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो ये पैराग्राफ आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दे रखी है कलरलेस लिक्विड्स हैं, मतलब ये फिजिकल स्टेट के बारे में बताया है, तो आपको इस तरह से याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसी पैराग्राफ को थोड़ा मतलब एक तरह से सिस्टमेटिकली और पॉइंट वाइज किया है। तो देखो, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो होता है फिजिकल स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट में अगर बात करें तो जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन तक के हैं वो कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड मतलब जैसे पानी का कलर होता है कलरलेस, वैसे ही लिक्विड्स हैं। बट जैसे जैसे आप हायर की तरफ जाओगे तो वो कैसे होते जाते हैं, कलरलेस वैक्सी सॉलिड, मतलब सॉलिड होते जाते हैं, कलर कलरलेस ही रहता है। देखो, आपने स्टार्टिंग के मेंबर्स तो देखा ही है, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड, विनेगर सबने देखा है, ठीक है, तो वो कलरलेस लिक्विड ही होता है। विनेगर जो होता है, अब ध्यान देना है इसमें विनेगर जो होता है वो 5% एक्वस सॉल्यूशन होता है, है ना, मतलब विनेगर जो होता है वो प्योर एसिटिक एसिड नहीं होता। प्योर एसिटिक एसिड तो काफ़ी थिक होता है, जो विनेगर जो होता है उसमें 5% तो एसिटिक एसिड होता है, 95% क्या होता है, वाटर होता है, तो उसको विनेगर बोलते हैं। तो ये होने को तो आप यहाँ से ही देखा तो है, लेकिन कलर तो उसका कैसा रहता है, कलरलेस ही रहता है। तो स्टार्टिंग के अप टू 9, जैसे इसमें 2 कार्बन है ना, ऐसे ही अप टू 9 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड, और हायर जो हैं वो कैसे हैं, कलरलेस वैक्स या सॉलिड हैं, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड, गैसेस स्टेट में यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है।
पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है स्मेल या ओडर। स्मेल की बात करें तो फर्स्ट थ्री मेंबर जो हैं, ठीक है, फर्स्ट थ्री मेंबर हैव शार्प पंजेंट ओडर। पंजेंट मतलब थोड़ी तीखी स्मेल आती है। C4 टू C9 जो हैं उनकी ओडर या स्मेल जो होती है वो रेंसिड बटर, मतलब जो थोड़ा सा रखा हुआ जो होता है ना, रेंसिड का मतलब खराब हुआ जो बटर होता है उसकी जैसी स्मेल होती है। लेकिन हायर मेंबर जो होते हैं उनमें ज़्यादा स्मेल नहीं होती, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी जो होती है वो कम होती है, मतलब वो वॉलेटाइल ही नहीं होते, और वॉलेटाइल नहीं होंगे तो उनकी स्मेल जो होती है वो दूर तक नहीं जाती, या यूँ कह दें कोई स्मेल ही वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो तीन बात हैं, पहली स्टार्टिंग के जो मेंबर हैं थ्री मेंबर उनकी शार्प पंजेंट स्मेल है, दूसरी बात क्या है C4 टू C9 वाले जो हैं उनमें रेंसिड बटर जैसी स्मेल है, और थर्ड बात क्या है हायर मेंबर जो होते हैं उनकी लो वॉलेटाइल नेचर होने की वजह से उनमें कोई स्मेल नहीं होती है, ओडरलेस या स्मेललेस होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने स्मेल और ओडर देख ली। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है बॉइलिंग पॉइंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन की बात करेंगे। कंपैरिजन करेंगे किससे, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका कंपैरिजन करेंगे अदर जो हैं सेम अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के एल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है। एल्कोहल में तो इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एल्कोहल का तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट इनसे भी ज़्यादा होता है। किससे भी ज़्यादा होता है, इन एल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। तो अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर एल्कोहल्स का होता है, और फिर कहीं जाके एल्डिहाइड और कीटोन का नंबर आएगा। तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ऐसा रीज़न, इसका रीज़न क्या है, एल्कोहल्स में भी होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इनके इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, देखो ये मैंने दो मॉलिक्यूल लिए जैसे एसिटिक एसिड के, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन जो है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल का तो ये हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन, तो ये भी यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि एल्कोहल्स जो होते हैं उनको अगर वेपराइज स्टेट में ले जाओ, वेपर्स बना देंगे, तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो वेपर स्टेट में भी क्या होते हैं, बने रहते हैं। मतलब जो मोस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन वेपर स्टेट और वेपर फेज में, या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक CCl4 है ना, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिनमें प्रोटॉन्स नहीं होता, ऐसे सॉल्वेंट में और वेपर स्टेट में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इसको ही तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब लिक्विड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अगर आपने वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया तब भी डाइमर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, मतलब आप सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी वाली कितनी खतरनाक वाली है इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सी ए मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, एल्कोहल से भी ज़्यादा है, एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा तो है ही, ठीक है। तो पहली बात हुई। नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, ओके। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं, लोअर मेंबर मतलब जिनमें कार्बन का नंबर कम होता है, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, वो लोअर मेंबर आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आप जानते ही हैं एसिटिक एसिड जो होता है वाटर में ईजिली सॉल्युबल होता है, इसीलिए विनेगर जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द राइज ऑफ मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास मतलब जैसे जैसे हायर मेंबर्स में जाते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड
उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड की तरफ जाओगे, आगे जैसे जैसे हायर मेंबर्स की तरफ जाओगे कार्बन ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, तो उन इनका कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती रहती है। तो ये हमें बात करनी है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो देखिए, चार कार्बन, फोर अप टू फोर कार्बन एटम तक, फोर कार्बन एटम मतलब ब्यूटेनोइक एसिड तक के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वाटर में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर के साथ किस तरह से बनते हैं? देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये है आपका किसका मॉलिक्यूल? ये मॉलिक्यूल आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स यहाँ कुछ दिखा रखे हैं किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नेक्स्ट एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड बना रखे हैं, और तीनों ये क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं? वाटर में मिसिबल हैं। लेकिन आप ध्यान यहाँ पे ये भी देखो कि ये आर जो है, ये आर जो है, जैसे जैसे इस आर की लेंथ बढ़ती जाएगी, आर का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? जैसे जैसे आप, जैसे जैसे इसकी साइज इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये वाला का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन वाली चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि ये पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो पोलर है ये हाइड्रोफिलिक होती है, पोलर वाटर पोलर है और ये भी पोलर है, तो पोलर वाला पार्ट क्या हुआ है वो तो फिक्स है, लेकिन आपका जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होगा तो ये आर वाला पार्ट इंक्रीज होगा, आर वाला पार्ट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, ये पार्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये पार्ट हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, और ये हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर वाला पार्ट है, तो इससे ये अप्रोच नहीं कर पाएंगे, और अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर नहीं बन पाएंगे तो सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिकली जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें किसकी, किसी भी एक एरोमेटिक एसिड की, जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड आप जानते हैं क्या होता है, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर सी डबल एच लग जाए तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में ये नियरली इनसॉल्युबल है, ठीक है। रीजन समझ में आया, क्योंकि ये आर वाला जो ग्रुप है वो काफ़ी बल्की ग्रुप हो गया, इसीलिए ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगी इसकी, हाइड्रोजन से जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो वाटर से उतना ज़्यादा इफेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो कोल्ड वाटर में ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जो लेस पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया या फिर ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया, जो कि कंपैरेटिवली लेस पोलर हैं या फिर नॉन पोलर भी बोल सकते हो, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस पोलर या फिर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जो फिनोमेना यूज होता है वो सेम डिजॉल्व सेम, ये हमेशा ही एप्लीकेबल होता है वैसे, सेम डिजॉल्व्स सेम। मतलब क्या है कि अगर सेम का मतलब क्या है, अगर पोलर है, कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होगा, ठीक है, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सेम डिजॉल्व सेम वाला फिनोमेना होता है। तो जनरली इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, है ना, आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट में लिया जाए तो वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, आयनिक, जैसे NaCl, MgCl2, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे
या फिर इससे भी बोल सकते हैं आप, तो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये बात हुई हमारी ओवरऑल सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।